अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। ये है ओप्पो का रेनो 11 है 5G, जिसका आज मैं पबजी टेस्ट करने वाला हूं। बेसिकली ये फ़ोन आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 वाले चिपसेट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। आज की इस वीडियो में ये चेक करेंगे कि भाई पबजी के अंदर ये चिपसेट हमें कितने FPS प्रोवाइड करता है, और जायरो इस फ़ोन में हार्डवेयर बेस आता है या फिर नहीं आता। 80,000 का ये फ़ोन है और पबजी के अंदर हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने स्मार्टफोन की, बल्कि नहीं कल नहीं, 6 दिन पहले मैंने स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने अभी तक अनबॉक्सिंग वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो भाई लाजमी से चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट पिन कमेंट में भी अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर स्टोवाच अवेलेबल है। सबसे पहले यह चेकआउट करते हैं कि पबजी कितने सेकंड के अंदर लोड होती है। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 येलो स्टार्ट। सो भाई यहाँ पर पबजी भी लोड होना स्टार्ट हो चुकी है और स्टोवाच भी चल चुकी है। देखते हैं कि पबजी जो है वो कितने सेकंड के अंदर लोड होती है। सो भाई पबजी को लोड होने में टोटल 28 to 29 सेकंड लगे हैं, ये चीज़ आप लोगों ने बस देख लेनी है। खैर इसको स्टोवाच को करते हैं साइड पर। अब आता हूँ मैं अपने स्मार्टफोन की तरफ। सबसे पहले भाई ग्राफिक्स चेक करते हैं कि भाई कितने FPS मिलते हैं। सेटिंग में जाते हैं, ग्राफिक्स में जाते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्मूथ के साथ पावर सेविंग, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, एक्सट्रीम तक यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, यानी कि 60 FPS आप लोगों को ये फ़ोन प्रोवाइड करता है पबजी में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बैलेंस के साथ अल्ट्रा है, HD के साथ भी यहाँ पर आपको अल्ट्रा मिल जाता है, HDR के साथ भी अल्ट्रा है। अल्ट्रा HD जो है ना, HDR वो अवेलेबल नहीं है, तो हम खेलेंगे स्मूथ के साथ एक्सट्रीम, और साथ में यहाँ पर कलरफुल करते हैं, इसको ओके करते हैं। सो सबसे पहले हम TDM मैच खेलेंगे, इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ पर टीम डेथ मैच सेलेक्टेड है ऑलरेडी, और इसको खेलते हैं, और इसी के अंदर मैं आप लोगों को जायरो भी टेस्ट करवाता हूँ। सो यहाँ पर मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडवांस कंट्रोल में जाते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जायरोस्कोप का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन भी कर सकते हैं। तो भाई मैं खेलूँगा जायरो के साथ, सो मैंने जायरो यहाँ पर ऑन कर दिया है, ये ज़रा ख़त्म हो जाए। इसके बाद क्रॉस करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइज, जायरो जो है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, किसी किस्म का कोई डिले वगैरह देखने को नहीं मिलता। सो अभी चलते हैं। ओह भाई ये तो चित्ते बंदे हैं भाई, चलो भाई छोटे। सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ओ देख क्या बात है भाई तेरी, क्या बात है। यार ये किधर, ओ लो मेरे बाम से ही गया, वाह क्या बात है भाई। ओ भाई छुप जा, यार उसका डैमेज कितना है यार इस बंदे का। लेकिन भाई स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो फाइनली गाइज ये वाला मैच तो हमने खेल लिया है। सो गाइज मैं पहला मैच ऑलरेडी खेल चुका हूँ, उसके अंदर आप लोगों ने स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस देखी होगी, जायरो परफेक्टली वर्क कर रहा है, स्मार्टफोन काफ़ी ज़रा स्मूथली जो है वो पबजी को प्ले कर रहा है। उसके बाद भाई लाइट चली गई, 1 घंटे बाद लाइट आ रही है, और दोबारा मैं अगेन वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि जो दूसरा मैच है ना वो भी आपको खेल के दिखाता हूँ, और वो हम खेलेंगे अल्टीमेट अरीना अरेंगल में। तो स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइज मैच यहाँ पर लग चुका है, और फ़ोन की जो चार्जिंग है वो 95% है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको परचेज़ कर लेते। ओ भाई चुप कर जा, ये पहले ही निबेड़ देते सारे बंदों को भाई।
लो जी, हमने तो ये भी लूट लिया है। सो भाई, पहला राउंड तो हम जीत चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड में देखते हैं कि भाई कौन जीतता है। सो यहाँ से इंटर होंगे, ऊपर जाते हैं छत पे, और छत पे जाने के बाद भाई हम जी छलांग मारते हैं। वो रहा वो रहा। नीचे घूम रहे हैं सारे। एक को डाउन कर दिया है। ओ भाई ऊपर चढ़ जाए। एक को डाउन कर दिया है। बकाया को देखते हैं कितने है भाई। किधर जा रहे हो? ओ मुझे भी ले गया यार। ये कहाँ पर है? वो रहा है, अंदर है, घर के अंदर है। लो भाई, हम मैच जो है वो जीत चुके हैं, दूसरा राउंड भी जीत चुके हैं। वैसे हम चार बंदे हैं, वो दो बंदे हैं भाई। कुट तो खाएंगे। एक तो भाई यहीं कहीं लेटा हुआ है। ये तो गया, कोई बात नहीं, इन्हीं से ही फड़काएंगे। ओ पकड़ लो पकड़ लो। यस, वेरी नाइस। वो गया एक। हाँ एक गया, एक गया। वो एक लटाई खड़ा उसको। वैसे ही मर गया। सो फाइनली गाइज, ये वाला मैच भी ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी लगी है? भाई मुझे तो फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। और भाई दो मैच खेले हैं मैंने इस पे अभी, दिखाया आपको एक है लेकिन खेले मैंने दो हैं, लेकिन फ़ोन इतना ज़्यादा हीट नहीं हुआ। हाँ, अगर आप लगातार खेल रहे हैं और भाई गर्मी का मौसम है तो फ़ोन थोड़ा बहुत हीट कर सकता है। बाकी 94% थी चार्जिंग, अभी 93% आ चुकी है। सो भाई गेमिंग के लिए ये फ़ोन फुली रिकमेंडेड है। आप गेमिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, कैमरे के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक अच्छा पैकेज है। मार्केट में आपको 75,000 रुपीज़ की प्राइस में ये ईजिली मिल जाता है। तो अगर आप ओप्पो के लवर हैं, क्वालिटी फ़ोन चाहिए, मतलब कि आप इन्फिनिक्स टेक्नो की बात करें ना, वो आपको क्वांटिटी ज़रूर देते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं देते। ये ओप्पो वीवो की बात करें, ये आपको क्वालिटी देते हैं लेकिन क्वांटिटी कम देते हैं। लेकिन इस बारी ओप्पो ने बहुत अच्छा काम किया है, इस बारी ओप्पो ने काफ़ी अच्छी एंट्री की है। आपको क्वालिटी भी दे रहा है और क्वांटिटी भी दे रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं ओप्पो को अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप ओप्पो का कोई अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली आंखें बंद करके ओप्पो रेनो 11F 5G को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। और भाई इसके अंदर चिपसेट भी तगड़ा है, ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।